इसका मतलब मुझे सही खबर मिली है। तुमने खुद को और इस घर को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, ये सब क्या है कमाल? आपसे किसने कहा? नाम बताएं मुझे उस मुलाजिम का। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इजाजत लिए बगैर आपको बताने की? काम डाउन कमाल, काम डाउन। अरे ये बेचारे मुलाजिम और क्या करते, तुमने घर में एक हंगामा सा मचा रखा है। मैंने सुना है कि कल भी तुमने घर में तोड़फोड़ की थी, आखिर बात क्या है? तुम्हारा गुस्सा देखकर इन बिचारों की तो जान पे बनी हुई है। आखिर ये मुझे फोन नहीं करते तो और क्या करते? आखिर बात क्या है, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? कुछ नहीं है बच्चों, कुछ नहीं है। कुछ तो है, तुम इन मुलाजमों को टाल सकते हो मगर मुझे नहीं। बताओ क्या बात है? इतनी ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हो, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? कोई तो बात है, मैं मान ही नहीं सकती कि कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कुछ नहीं है बच्चों, खामखा परेशान हो रही हैं, बस थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा हूं आजकल, दैट्स इट। प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। नेदा, नेदा जी, मेरा कमरा सेट कर दो, मुझे कमाल की हालत ठीक नहीं लग रही, मैं 2-4 दिन यहीं रहूंगी। जी बेहतर। क्या मुसीबत है, ये सारे कपड़े दे दिए प्रेस करने के लिए। शानी भाई ये ले, हो गए आपके सारे कपड़े प्रेस, इतने सारे कपड़े दे दिए, थक गई हूं मैं प्रेस कर करके, एहसास ही नहीं है आपको। अरे क्या बात है, नहीं सुगड़ बहन है मेरी है, बस कुछ दिन और अरीबा आ जाएगी फिर तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मतलब? मतलब मेरे कहने का ये है कि कहीं आपके कपड़े प्रेस करने के साथ साथ मुझे अरीबा के भी कपड़े प्रेस ना करने पड़े। उसे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है घर के कामों में। अरे घर के कामों में इंटरेस्ट होना हो, मेरे काम तो करने पड़ेंगे। तो उसकी मजाल है मेरे किसी काम से इनकार कर जाए। सब सोच के रखा हुआ तेरे भाई ने, कैसे रखना है उसको। शानी भाई आप इतनी सख्ती भी मत करिएगा, कहीं वो आपको छोड़ के ही ना भाग जाए। क्या बकवास करी, मुझे कैसे लगा वो मुझे छोड़ेगी, मुझे? करना तो दूर, ऐसा सोचा भी ना उसने, टांगे तोड़ दूंगा उसकी। मैं तो मजाक कर रही हूं। ए तू मजाक में भी आइंदा ऐसा कहा ना तेरा भी मुंह तोड़ दूंगा मैं। क्या हो गया, क्यों बहन पे गुस्सा कर रहे हैं? अरे उससे पूछे क्या उलफल बक रही है, कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं उसको इस घर में। अम्मा मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने तो बस यही कहा है कि आप अरीबा से इतना काम कराएंगे तो कहीं वो आपको छोड़ के ना। सुना, कहीं वो आपको छोड़ के ना चली जाए, सुन लो इसकी बातें, अभी से नहुसत फैला रही है ये। अच्छा अच्छा बस, आइंदा नहीं करेगी ऐसी बात, और इतना गुस्सा ना किया कर। और तुझे क्या हो गया बेटा, पता तो उसका अरीबा के मामले में कितना जज्बाती है वो, आइंदा इस मजाक में भी ऐसी बात नहीं करनी, ठीक है ना बेटा? अच्छा जा कर ले अपने कपड़े से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब आपके? वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस से जल्दी ऑफ हो गया था मेरा, तो सोचा तुम्हारा भी लंच टाइम होगा तो क्यों ना हम दोनों को लंच करने के लिए बाहर जाना चाहिए। ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया था या मेरे चक्कर में सब काम छोड़ कर आए हो? सच बताऊं तो यार मेरा वाकई में दिल नहीं लगता। इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि लंच करने के लिए हम दोनों को कहाँ जाना चाहिए? इतनी भी क्या जल्दी है सारे, रुक जाओ मुझे एक ईमेल करना है, वो भी लंच से पहले पहले, वेट करो। कितनी देर? ओके ओके
वेट कर रहा हूं। यार बस जी करो ना, जल्दी करो, मेरा टाइम जाया करो। तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, अपने काम में मेरा वक्त जाया कर रही हो, तुम्हें मेरी फीलिंग्स का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। कम ऑन यार। सारे क्या कर रहे हो, ये कितनी बार कहा है ऑफिस से छोड़ो। आई डोंट केयर, तुम हमेशा मेरा वक्त ऐसे जाया करती हो तो मैं क्या करूं, मैं ऐसे तो मौके तलाश करूंगा ना। सर ये मेरे हस्बैंड है सारम। अनमोल बेटी, इनसे पहले मुलाकात हो चुकी है, कैसे सर आप? अनमोल वो ईमेल कर दिया आपने? जी सर वो ही कर रही थी, 10 मिनट में आपको रिसीव हो जाएगी मेल। अनमोल मैं और लंच के लिए जा रहे थे। जी हम दोनों लंच के लिए जा रहे थे। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वो ईमेल मुझे सेंड कर। सर ये मेरे हस्बैंड है सारम। कमाल खाना ठंडा हो रहा है, कब से तुम्हारा वेट कर रही हूं मैं। कमाल आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम टू गेट मैरिड। बीवी आ जाएगी तो तुम्हारा मूड भी ठीक रहने लगेगा, और वैसे भी तो तुम बहुत बेजार से रहते हो। शादी के बाद तुम्हारी लाइफ एक रूटीन में आ जाएगी। वो जिस लड़की का तुमने जिक्र किया था उसका क्या हुआ, तुमने बात की उससे? अगर नहीं की तो कोई बात नहीं, तुम मुझे उससे मिलवा दो, मैं बात करती हूं उससे। ऐसा करो कि तुम कल का दिन रख लो, मैं उससे मिल लेती हूं और शाम को घर चली जाऊंगी। मेरे घर में ना रहने से आमिर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन्हें अकेला रहने की आदत नहीं है। कमाल तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्या हुआ भाई? अगर वो एग्री नहीं हो रही है तो मुझसे बात करा दो, मैं बात करूंगी। भाई किस चीज की कमी है तुम्हें, ऐसे घरों के तो ख्वाब देखती हैं लड़कियां, वो क्यों मना करेगी? क्योंकि उसका निकाह हो गया।